वो किस परिस्थिति में इस तरह की बात सामने आई है और टोल कर्मी का व्यवहार क्या रहा है, वो सारी बातों को जब तक परीक्षण नहीं कर लिया जाए तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। देखिए, झारखंड में सत्तारूढ़ दल के जनप्रतिनिधियों के ऊपर सत्ता का गुरूर इस कदर चढ़ गया है कि वो अब सरेआम गरीब लोगों को थप्पड़ मारने लगे हैं। टोल प्लाजा में बना वीआईपी गेट खोलने में देरी हो गई तो विधायक को गुस्सा आ गया। थमथमाए विधायक गाड़ी से उतरे और टोल कर्मी को थप्पड़ रसीद कर दिया। मामला हजारीबाग का है। थप्पड़ मारने वाले शख्स उमाशंकर अकेला है, जो हजारीबाग के बरही से कांग्रेस पार्टी के विधायक है। मामला गुरुवार का है। घटना का सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है। विधायक जी के कोप का शिकार बनने वाले टोल कर्मी का नाम अजय यादव है। घटना को लेकर अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक विधायक उमाशंकर अकेला बरही से रांची जा रहे थे। बीच में नगवा टोल प्लाजा पड़ता है। वैसे तो यहाँ वीआईपी एंट्री के लिए अलग से गेट बना है, लेकिन किसी कारणवश वो बंद था। सामान्य गेट को खोलने में थोड़ी सी देरी हो गई। बताया जाता है कि इस बात से भड़के विधायक टोल कर्मी के कार्यालय में घुस गए और कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि पहले तो टोल कर्मी और विधायक के सुरक्षा कर्मियों के बीच बहस होती है। इसी बहस के दौरान थोड़ी धक्का मुक्की भी होती है। अचानक विधायक खुद चलकर अंदर आते हैं और टोल कर्मी को थप्पड़ रसीद कर देते हैं। विधायक ने जिस टोल कर्मी को थप्पड़ मारा उनका नाम अजय यादव है। अजय पद्मा प्रखंड के नवाड़ी के रहने वाले हैं। समाचार लिखे जाने तक उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। विधायक ने इस बाबत सफाई देते हुए कहा है कि हमने जल्दी गेट खोलने को कहा तो टोल कर्मी ने बदतमीजी की और बहस करने लगा। वहीं घटना के वक्त टोल प्लाजा में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गेट खोलने में देरी जैसी मामूली बात पर भड़के विधायक ने टोल कर्मी को थप्पड़ मार दिया। देखिए, झारखंड में सत्तारूढ़ दल के जनप्रतिनिधियों के ऊपर सत्ता का गुरूर इस कदर चढ़ गया है कि वो अब सरेआम गरीब लोगों को थप्पड़ मारने लगे हैं। और ये तो कांग्रेस का पुराना इतिहास ही है कि इमरजेंसी के समय उस समय के संजय गांधी ने एक सरेआम सीनियर पुलिस अफसर को थप्पड़ मारा था और आज उमा शंकर अकेला उसी परंपरा को, उसी इतिहास को आगे बढ़ाते दिखे। और मार खाने वाला भी कौन था उनसे? टोल कर्मी, एक गरीब टोल कर्मी जो अपनी ड्यूटी निभा रहा था और उसने विधायक जी को रोकने की जरूरत कर दी। यही कांग्रेस की कल्चर है कि कभी महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाली कांग्रेस, गरीबों की सहायता की बात करने वाली कांग्रेस आज निसहाय असहाय टोल कर्मियों पर इस तरीके से हाथ उठा रहे हैं। हमें लगता है कि पुलिस को अविलंब इस मामले में मामला दर्ज करना चाहिए और विधायक जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो किस परिस्थिति में इस तरह की बात सामने आई है और टोल कर्मी का व्यवहार क्या रहा है, वो सारी बातों को जब तक परीक्षण नहीं कर लिया जाए तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।